बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ओके गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया है इस वीडियो में दुनिया का हर एक ग्लोबल टेक्निक रिबिल्ड करने वाला हूँ। अच्छा, नहीं मतलब कोई ग्लोबल टेक्निक छूटना ही नहीं चाहिए, हर एक ग्लोबल टेक्निक को साला एक ही वीडियो में रिबिल्ड कर देंगे। लाइक पागल एम्प्टन का बबंडर ग्लोबल, जेरोक्स का स्पिनर अर्थात सुनामी ग्लोबल, पूरा पर्यावरण भाई हम रिबिल्ड करने वाले हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि कोई भी ग्लोबल टेक्निक छूटने नहीं वाला। आज तुम लोगों को मैं हर एक ग्लोबल टेक्निक का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। बवंडर, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, मतलब जो है वो रिबिल्ड होगा आज इस वीडियो में। तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो। क्या दिन आ गया यार, एक वक्त था जब ग्लोबल की हम लोग परवाह नहीं करते थे, मतलब ग्लोबल लेते ही नहीं थे और पूछते थे गूगल से हाउ टू पुट क्राउज ग्लोबल, बैठ कर ग्लोबल कैसे लगाए। अभी देखो जनरेशन कहाँ आ पहुंचा है। अभी के बंदे सिर्फ नॉर्मल ग्लोबल लगाना छोड़ ही दो, बैठ कर ग्लोबल लगाना तो छोड़ ही दो, अभी के बंदे पृथ्वी के जितने बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर है, मतलब बबंडर, सुनामी, चक्रवात, फिर जो भी हो ब्लैक होल यूनिवर्स तक आ जाएगा देखना एक टाइम पे, इस स्टाइल में ग्लोबल लगाना पसंद करते हैं। तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया है आज जितने भी बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर वाले ग्लोबल टेक्निक है सब इधर रिबिल्ड होने वाला इस वीडियो में। सो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सभी चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल देने वाले हैं भाई। सो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलो भाई तो ओके गाइस, सबसे पहले तुम लोगों का फेवरेट ग्लोबल टेक्निक को रिबिल्ड करते हैं, बवंडर ग्लोबल टेक्निक। ये काफी अच्छा टेक्निक है, 1v4 क्लच कर सकते हो इस टेक्निक के जरिए इजीली, क्योंकि इस ग्लोबल टेक्निक के साथ अगर तुम लोग खेलते हो तो सामने वाला बंदा एक हद तक तुम्हारे साथ लड़ सकता है, फिर खुद ही वो जवाब दे देता है भाई मार लो मुझे ऐसा सब। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ये ग्लोबल टेक्निक काफी पहुंचा हुआ ग्लोबल टेक्निक है। सही बात है। इसको देखो गाइस कैसे यूज करना है। सिंपल सा नॉर्मल प्रोसेस रहता है, जैसे तुम लोग ग्लोबल लगाते हो वैसे नॉर्मल ग्लोबल लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लोबल लग जाने के बाद सिंपल सा तुम लोग को रन बटन पर टैप करना है। रन बटन टैप होते ही तुम लोग को जंप करके पीछे घूमना है, ठीक है। अब तक तुम लोग जैसे ही जंप करके कैरेक्टर को पीछे घुमाओगे तुम लोगों को लेफ्ट फायर बटन का यूज करना है और इधर टैप 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 2-3 बार टैप कर देना है, जिससे क्या होगा पीछे 2-3 ग्लोबल लग जाएगा बट सामने वाला ग्लोबल खुल जाएगा। और अब देखो ये प्रोसेस बार बार चलता जाएगा। सिंपल तुम लोग करना है फायर, फिर ग्लोबल लगाना है, फिर जंप करके पीछे ग्लोबल लगाना है और सामने वाला खुल जाएगा, और ऐसा करके वो बंडर ग्लोबल लगातार चलते रहेगा। अच्छा वाह क्या सीन है। नेक्स्ट ग्लोबल टेक्निक है जेरोक्स का स्पिनर अर्थात सुनामी ग्लोबल टेक्निक। अब देखो इस ग्लोबल टेक्निक का अगर एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो इसका बस एक एडवांटेज है जो कि गुड लुकिंग, मतलब ये देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। और जैसा कि तुम लोगों ने इधर देखा भी कैसा लग रहा था, तो इसको परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा सिंपल तो नहीं है, हार्ड है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको करना कैसा है, जैसे तुम लोग नॉर्मल ग्लोबल लगाते हो वैसे ही नॉर्मल ग्लोबल लगाना, बट यहाँ पर ग्लोबल लगाते टाइम तुम लोग थोड़ा सा चेंज करना है। तो क्या करना है, जैसे तुम लोगों ने फायर करा अब ग्लोबल नीचे आया, ठीक है। अब जब तुम लोग लेफ्ट फायर बटन से ग्लोबल को प्रेस करोगे मतलब जमीन पर लगाओगे उस टाइम पे क्या करना है, तुम लोग पूरा रोटेशन देना है कैरेक्टर को, मतलब तुम लोग यहाँ से फायर करते हुए स्क्रीन को पूरा रोटेट करना है और इससे ग्लोबल एक पूरा रोटेशन वाला लुक देगा। और देखो ये देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। सिंपल तुम लोग को फायर करना है, जैसे तुम लोग फायर करते हो फिर सिंपल से ग्लोबल लाते टाइम तुम लोग स्क्रीन को एक बार रोटेट करना है, बस तुम लोग सिंपल से यहाँ से ऐसे रोटेट करना है और फिर फायर कर देना है, फिर देखना कितना ब्यूटीफुल लुक देगा, एकदम पूरा जेरोक्स वाली फील आएगी यहाँ पर, और देखना स्पिनर ग्लोबल इजीली लग जाएगा। इतनी खुशी मुझे। ओ भाई ये क्या है। नेक्स्ट का इस वाइट का स्काई लुक ग्लोबल अर्थात आकाश दृश्य ग्लोबल, बोला था ना पूरा नेचुरल भाई, पूरा भाई प्रकृति से भरा हुआ ये वीडियो होने वाली है। तो इसका ट्यूटोरियल बड़ा ही सिंपल होता है, तुम लोग क्या करना है नॉर्मल जैसे फायर करते हो ग्लोबल लगाते हो वैसे ही लगाना है, बट जब तुम लोग ग्लोबल लगाओगे उस टाइम पे थोड़ा सा चेंज करना है। मतलब देखो ऐसे तुम लोग फायर किए ग्लोबल नीचे आया, अब देखो जैसे तुम लोग प्रेस करोगे लेफ्ट फायर बटन, ठीक है, मतलब यहाँ से ग्लोबल जैसे ही लगाओगे उस टाइम पे तुम लोगों को ड्रैग अप करना है, फायर बटन को नहीं बस स्क्रीन को, स्क्रीन को ड्रैग करोगे इधर पूरा स्काई वाला लुक आ जाएगा और देखने में ग्लोबल टेक्निक एकदम ओपी वाला लुक देगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, नॉर्मल ग्लोबल लगाना जैसे तुम लोग लगाते हो, ठीक है, बट जैसे ही ग्लोबल नीचे आएगा, ठीक है, उस टाइम पे फायर करते हुए एकदम स्क्रीन को ऊपर तक खींचना है जिससे देखने में पूरा स्काई वाला लुक आ जाएगा। और इसको मेनली ब्राजील सर्वर, इवन हमारे सर्वर के भी काफी सारे प्लेयर इस टेक्निक को यूज करता है फ्री स्टाइल गेम प्ले में, तो ये तुम लोग भी यूज कर सकते हो। वेरी गुड।
नेक्स्ट राउंड ग्लोबल टेक्निक, इसको हम लोग स्क्वाड वाइप ग्लोबल टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि गाइस इस ग्लोबल टेक्निक से तुम लोग स्क्वाड को इजीली वाइप कर सकते हो लिटरली 1v4 में 1v3 में, ये ग्लोबल टेक्निक किंग है, ठीक है। सो इसको यूज करना बड़ा ही सिंपल होता है, नॉर्मल जैसे एक ग्लोबल लगाते हो ना तुम लोग, उस टाइम पे तुम लोगों को बस मल्टीपल ग्लोबल लगाना है घुमाकर। देखो कैसे करना है, सिंपल सा, तुम लोगों ने यहाँ पर फायर किया, ग्लोबल लगाया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ग्लोबल तुम लोगों को राइट फायर बटन से लगाना है, ठीक है, मतलब यहाँ से जिससे तुम लोग फायर करते हो। और सिंपल सा बस लगाना ही नहीं है, यहाँ पर ऐसे राइट फायर बटन को स्लाइड करना है ताकि पूरा एकदम रोटेट हो जाए स्क्रीन, और ऐसा करके तुम लोग एक पूरा कवर ग्लोबल लगा सकते हो। फिर इसको खोलना है, फिर से ग्लोबल लगाना है, और ऐसा करके देखो तुम लोग राउंड ग्लोबल कितना परफेक्टली लगा पाओगे। और यस स्क्वाड भी तुम लोग इजीली वाइप कर सकते हो इस ग्लोबल टेक्निक से, क्योंकि चारों तरफ से बंदे नहीं मार पाएंगे तुमको। सो यस, ये ग्लोबल टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल टेक्निक है, तुम लोग यूज करना जरूर। नहीं सो हे गाइस, आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोग वीडियो पसंद आया है। अब देखो अगर तुम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब और भी डिफरेंट टाइप के प्राकृतिक आपदाएं वाले ग्लोबल टेक्निक सीखना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल सा तुम लोगों को 40 के लाइक एम करना है वीडियो को। वीडियो में अगर 40 के लाइक एम कंप्लीट होता है तो मैं इसका सीरीज आगे कंटिन्यू करूंगा। और हाँ गाइस, मेरे सेकंड चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चल रहा है, तो तुम लोग जाकर देख सकते हो वो स्कीम क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आधे राधे।